स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड बात करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रेंटिस का मौका है, जो भी आईटीआई पास बच्चे हैं अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आईटीआई स्टूडेंट हैं आप, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना चाहिए प्ले स्टोर से, जहाँ पर आप अपने आईटीआई एग्जामिनेशन की शानदार तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है ग्लोबल आईटीआई का, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ग्लोबल आईटीआई लिखा हुआ आएगा, जिसमें 62,000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो जो भी पीडीएफ वगैरह है, वैकेंसीज की अपडेट है, या फिर अन्य वीडियो जो आपसे मिस होती हैं, सब कुछ मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ समय समय पर। बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर की ये कंपनी है और मुझे लग रहा है कि हर बच्चा जानता होगा इंडियन ऑयल क्या है। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का मौका है, आईटीआई के बच्चों के लिए भी है, पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए, ग्रेजुएट बच्चों के लिए भी है, अलग अलग कोर्सेज के लिए। लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, क्या क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन सी ट्रेड में है, उसी के यहाँ पर टोटली जो है आपको मैं अपनी तरफ से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। 16 दिसंबर से ये यहाँ पर पब्लिश हुआ है, दिनांक यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। बाकी अप्रेंटिस की बात की गई है, जिसमें बोला गया है कि भारत के राज्यों जैसे कि तमिलनाडु हो, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं, ये दीव वगैरह, दादरा और ढेर सारे नाम दिए हुए हैं, सबको पढ़ना मुझे लग रहा है कोई, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जैसा कि मैंने बताया ग्लोबल आईटीआई टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। इसमें लगभग सभी प्रदेश और देश देश कह रहा हूँ, देश के अपने सभी प्रदेश हैं आपके यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह, अलग अलग जगहों पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उसको सब कुछ मेंशन भी किया गया है। तो इसको आपको अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे दूंगा। देखना कैसे है, जैसे यहाँ पर देख लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक अगर 101 नंबर से 106 नंबर तक यहाँ पर एक कॉलम है, उसके बाद यहाँ पर लाइन खींच दी गई है। तो 101 से 106 के बीच में देखिए टोटल सीट जो है 70 है, जिसमें जनरल की 30 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस की 7 हैं, उसके अलावा अनुसूचित जाति की 10 हैं, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और एससी की बात हो रही है यहाँ पर 5 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जो है, नॉन क्रीमी लेयर के जो बच्चे होते हैं, उनकी 18 सीटें हैं, टोटल मिलाकर 70 है। तो ये इन ट्रेड में मिलाकर है, किसमें, जो मैकेनिकल अप्रेंटिस, इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिस, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, ये सब मिलाकर है ना। तो अब यहाँ पर बात आ जाएगी कि कैसे पता चलेगा किसमें आईटीआई वालों का कौन सा डिप्लोमा है, तो नीचे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर देख पा रहे हो जैसे ट्रेड अप्रेंटिस फिटर है ना, कहाँ के लिए है ये पंजाब वाला है सेक्शन, पंजाब वाले सेक्शन में। इसको थोड़ा सा और मैं माइनस करता हूँ तो आपको क्लियर हो पाएगा, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए, ये 101 से 116 तक, ये टोटल अप्रेंटिस जो इतनी होनी है, और जो सीटों की संख्या है जैसे 70 है, 27 है, 28 है, 13 है, ये सब कहाँ के लिए, ये दिल्ली के लिए है। इसी तरह से 101 नंबर यहाँ से शुरू हुआ है 116 तक, ये कहाँ के लिए है, ये पंजाब में सीटों की संख्या है। तो वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन अलग अलग यहाँ पर स्टेट वाइज सीटों की संख्या दिया हुआ है कि आप भी एक ही जगह अप्लाई करोगे, ज़्यादा अप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं अप्लाई करने की, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा होगा। हरियाणा की बात करें तो 101 नंबर से शुरू हो रहा है, 112 आपके नीचे तक आ गया, ये 116 तक। इसी तरह से ये हिमाचल प्रदेश का है और अन्य राज्यों का भी है, राजस्थान, चंडीगढ़, सब जगहों पर है। तो अब आपको देखिए देखना ये होगा कि विषय कोड लिखा हुआ ना, तो कौन सा वाला आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। नीचे की तरफ मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आईटीआई बच्चों के लिए कौन सा विषय कोड है। अब जैसे 101 है, 102, 103, 4, 5, 6, 116 तक है, किसी किसी प्रदेश में जो है 116 नहीं है, देखिए इसमें 111 ही है उड़ीसा में। तो आपको देखना होगा कि आप किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो कैसे देखेंगे, मैं अभी आपको नीचे ले चलता हूँ स्लाइड करके। ये हर स्टेट का दिया हुआ है। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 सीटें यहाँ दिख रही है, 2 सीट, 4 सीट दिख रही है, अन्य राज्यों में जो थी सीटें ज़्यादा थी। तो स्टेट वाइज जो सीटों की संख्या भी कम ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश की 116 सीट दिखा रहा है इस वाले सेक्टर में, रिटेल सेल्स के लिए है ना। तो ये आपको देखना होगा, ठीक है, आप अपने स्टेट का देखिए, अपने स्टेट में अप्लाई करिए, बेहतर रहेगा। अब जैसे हम लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जूम करके चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा विषय कोड किसके लिए है। आईटीआई के बच्चों की बात किया जाए तो यहाँ पर आ जाइए विषय कोड। अब विषय कोड का ध्यान रखिए, आप किसी भी स्टेट में हो, आप कौन से किसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो विषय कोड आप अपना नोट कर लीजिए, जो विषय कोड 107 है, 107 में कौन अप्लाई करेगा, फिटर से आईटीआई पास बच्चा होगा, 2 वर्ष की आईटीआई किया होगा फिटर ट्रेड में, तो 107 में अप्लाई करेगा। 108 में कौन अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो आईटीआई है बच्चे वो अप्लाई करेंगे। 109 के लिए कौन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बच्चे होंगे जो 2 वर्ष की आईटीआई किए होंगे, ये अप्लाई करेंगे। 110 वाले में
विषय कोड 110 110 के लिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आपने आईटीआई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 111 यानी 111 के लिए मशीनिस्ट ट्रेड से आपने आईटीआई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए ये जैसे 101 हुआ ना, ये किसके लिए है? ये डिप्लोमा के लिए है। तो अभी तक मैंने अपने एक नज़र देखा है, बाकी आप भी पढ़ लीजिएगा। आईटीआई के लिए ये सिर्फ विषय कोड यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका ये पाँच कौन कौन सा, 107 फिटर, 108 इलेक्ट्रिशियन, 109 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, 110 इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और 111 मशीनिस्ट। तो ये सीटों की संख्या नहीं है, ये आपका ट्रेड का कोड निर्धारित किया गया है। जैसे मान लेते हैं आपने फिटर से आईटीआई किया है तो आप किस में अप्लाई करोगे, विषय कोड 107 107 में। अब मैं आपको 107 की वैकेंसी ऊपर स्लाइड करके दिखाता हूँ, आ जाइए। जैसे 107 आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। जैसे अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो देखिए गुजरात में 107 है ट्रेड फिटर, कितनी सीट है, 1 सीट है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से आप गोवा के हैं तो गोवा में आप देखिए 107 है, 107 फिटर, कितनी सीट है, 0, यानी गोवा की, गोवा में फिटर की नहीं है। तो इसी तरह से अन्य में भी आपको देखना पड़ेगा, जैसे 107 यहाँ पर फिटर है, मध्य प्रदेश कितना है, सिर्फ 1 सीट शो कर रहा है। किसी जगहों पर, कुछ जगहों पर ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे ये ट्रेड फिटर है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में 6 हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस ट्रेड में, मतलब कौन सा कोड आपका है। तो आप समझ गए होंगे कोड का क्या मतलब है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ आगे की चीज़ें बता दूँ। ये जो आपका 101 106 112 113 114 13 14 ये सब जो है ना, ये सब डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, बीकॉम वालों बच्चों के लिए, बीकॉम वगैरह कर रखे हैं, बीएससी कर रखे हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। आईटीआई बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली वीडियो में, तो आईटीआई के लिए एक कोड है ट्रेड कोड, यहाँ जो मैंने आपको बता दिया था 107 8 9 10 11, ये आपके अलग अलग ट्रेड हैं, यानी फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, ये आपके ट्रेड कोड हो गए और इसी ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। अब आ जाती है कि इसमें उम्र अगर कैलकुलेट की जाएगी कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो भाई आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होने चाहिए। किस दिन, 30 नवंबर, आप एक पेज पर नोट करेंगे कि 30 नवंबर 2022 लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे लग रहा है इसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो, अभी एक बार और देख लेंगे, नीचे की तरफ डेट दिया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 30 नवंबर 2023 होना चाहिए, तो ये मिस्टेक है, 2022 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज वैकेंसी आई है तो इतनी पुरानी बात कौन करेगा। तो ये देखिए 30 नवंबर 2023 आपको नोट करना है, देखना है कि 30 नवंबर 2023 को आप कितने वर्ष के हो गए, 18 वर्ष के हो गए मिनिमम होना चाहिए, अधिकतम 24। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, किसी एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी आप 24 की जगह 29 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे आपको तो 3 साल का मिलेगा बेनिफिट, यानी आप 27 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टम होता है, फिलहाल यहाँ पर 2022 लिखा हुआ था और यहाँ पर जिन उम्मीदवारों ने अनुसार योग्यता प्राप्त करने के बाद 30 तक गणना के अनुसार 3 वर्ष पूरे कर लिए हों अप्रेंटिस के लिए, यहाँ पर फिलहाल उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया में क्या होगा, इसमें होगा आपकी ऑनलाइन परीक्षा, ठीक है। इसमें कैसे होगा सिलेक्शन, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। ये वेबसाइट दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर एक मेडिकल फॉर्मेट है जिसमें आपको चेक कर लेना है कि इस मेडिकल फॉर्मेट में आप फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। IOCL वाली वेबसाइट पर अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन होगा, वहाँ पर ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करें कि आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करने की लास्ट डेट तो 5 जनवरी 2024 है, 5 जनवरी 2024 से आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और अप्रेंटिस के लिए एक लिंक होता है अप्रेंटिस इंडिया का, उस पर जाना है आपको, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। ये जरूरी है रजिस्ट्रेशन करना, वहीं से आप अप्लाई कर पाओगे। और क्या क्या चाहिए होगा, आपको अपना सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, 50 KB से कम की साइज होनी चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके अलावा आप जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे, जैसे ITI की हो या 10वीं की हो, वो सब 200 KB के आसपास का और फॉर्मेट होना चाहिए, PDF या JPG। और जो कुछ भी आप अपलोड करेंगे पहले उसका फोटोकॉपी निकालिए, उसको सेल्फ अटेस्ट करिए और सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन करिए, क्योंकि हमें स्व प्रमाणित यानी सत्यापित जो है फोटोकॉपी मांगा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देखिए दोबारा से यहाँ पर इन्होंने वही चीज़ को दे दिया है कि जो आयु है यानी एज कब कैलकुलेट होगी, 30 नवंबर 2023 को। इसके पहले एक जगह आपको 22 दिखा था ना, तो उसे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाता है कि फॉर्म कब से ओपन होगा, तो ये ऑलरेडी ओपन है, 16 दिसंबर से ओपन है और 5 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं।
ये वेबसाइट है www.iucl.com/apprenticeship। यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है दिखेंगी। तो ऑफलाइन नहीं है ये, ऑनलाइन आपका आवेदन है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं IUCL से तो। और जो OBC के अगर आप बच्चे हैं यानी आप आते हैं पिछड़े वर्ग में, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी आपको नया सर्टिफिकेट रहना चाहिए। 30 नवंबर तक आपको देख लेना है कि 30 नवंबर तक 1 साल के अंदर का ही आपका OBC का सर्टिफिकेट है, यानी OBC का सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना होगा तो आप फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है रिजेक्ट कर दें, उसे ये मानेंगे नहीं। तो आप जब OBC का अगर सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो नया सर्टिफिकेट लगाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ITI की इन्होंने बात किया है, तो यहाँ पर फिलहाल NCVT लिखा है, SCVT का जिक्र नहीं किया है। ज़्यादातर नीचे की तरफ भी देखा जाए तो यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है कि ITI NCVT प्रमाण पत्र, ठीक है। तो अभी बोर्ड के लिए तो कन्फ्यूज़न है कि SCVT अलाउ है कि नहीं, फिलहाल यहाँ पर एक जगह दिख रहा है तो यहाँ पर NCVT इन्होंने लिखा है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट दोबारा से इन्होंने बता दिया है कि आवेदन जो शुरू होने वाले हैं वो 16 दिसंबर से फॉर्म भरा जा रहा है ऑलरेडी, और 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट होगी। और जो कुछ भी होगा आपको मोबाइल नंबर अपना सही देना होगा, ईमेल ID वगैरह सही देना होगा, और जो भी जानकारी आएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो IUCL की है उसी पर आपको इस सारी जानकारी समय समय पर देते रहेंगे कि एग्जामिनेशन कब कराएंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो है आपका सही होना चाहिए, ठीक है, चालू होना चाहिए, इस्तेमाल होने वाला। ऐसा नहीं कि आपने दे दिया उसके बाद उस पर मेल ही नहीं जा रहा तो आपको ये इन्फॉर्म ना कर पाए। तो ये चीज़ें हैं, होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। प्लस ये दो वेबसाइट ध्यान रखिए, IUCL.com/apprentice, इस पर जाइए और देखिए लिखा है केवल एक विषय कोड के लिए आवेदन करना होगा, एक से अधिक करते हैं आवेदन तो विचार नहीं किया जाएगा और आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने एक ITI में भर दिया, एक दूसरे ट्रेड में भर दिया, एक डिप्लोमा में भर दिया, अलग अलग भरने के लिए, सिर्फ एक आवेदन आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, प्लस ITI ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। बहुत से बच्चे होते हैं जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।